हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद बानो। आज मैं आपके साथ कलेजी फ्राई की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो बहुत आसान सी रेसिपी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब मैं कलेजी बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने 300 ग्राम की जितना कलेजी ले लिया है, इसे मैंने वॉश कर दिया है। वॉश करके मैंने इसे एक कप के जितने दूध में भिगा दिया है। इसे मैं आधे घंटे तक रखूंगी। दूध में भिगाने से कलेजी में स्मेल नहीं आएगी। आधे घंटे के बाद मैं इसे वॉश कर लूंगी। मैंने कलेजी को अच्छे से वॉश कर लिया है। अब मैं मसाला कलेजी बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने एक मीडियम साइज की ऑनियन को बारीक चॉप कर लिया है। मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल लिया है। अब मैं ये ऑनियन इसमें डाल दूंगी, ऑयल में डाल दूंगी ऑनियन। इसे मैं लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करूंगी। इसमें मैं करी पत्ता डाल दूंगी थोड़ा सा, इसे बहुत अच्छी खुशबू आएगी कलेजी में। अब मैं इसमें 2 हरी मिर्च डालूंगी। मैंने हरी मिर्च को साइड में ऐसा कट कर लिया है। प्याज लाइट गोल्डन होने आ चुका है। अब मैं इसमें कलेजी डाल दूंगी। कलेजी को मैं प्याज में अच्छे से फ्राई कर लूंगी। अब मैं इसमें 1 टीस्पून की जितना जिंजर गार्लिक पेस्ट डालूंगी। और 1/4 टीस्पून की जितना हल्दी डालेंगे। और इसे मैं अच्छे से फ्राई कर लूंगी। मैंने 3 टमाटोज का पेस्ट बना लिया है। अब मैं इसे इसमें डाल दूंगी। मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर डालूंगी, 1 टीस्पून की जितना रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून की जितना भुना जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून की जितना नमक डालूंगी। ये सारे चीजों को मैं अच्छे से भून लूंगी टमाटरों के साथ। अब मैं इसमें 1 टीस्पून की जितना तंदूरी मसाला डालूंगी। अब मैं इसमें दही डालूंगी। मैंने 150 ग्राम की जितना दही लिया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी। अब मैं इसे कवर करके 5 मिनट तक पका लूंगी। मैंने कलेजी को मसालों में अच्छे से पका लिया है और कलेजी भी गल चुकी है। अब मैं इसमें हरा धनिया डालूंगी और हरी मिर्च। मैंने 2 हरी मिर्च को ऐसे चॉप कर लिया है, ये भी मैं इसमें डाल दूंगी। अब मैं इसमें कसूरी मेथी डालूंगी, मैंने क्रश करके रख दिया था पहले से ये।
मसाला कलेजी फ्राई बनके तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।